दोस्तों अभी लखनऊ टू फैजाबाद हाईवे पे हमें एक भाई मिले हैं जो स्केटिंग करते हुए यूपी देवरिया से केदारनाथ उत्तराखंड जा रहे हैं। 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस आज उनको 3 दिन हो चुका है यात्रा करते हुए, और वो अभी कम से कम 15 दिन का टूर है यूपी देवरिया से उत्तराखंड। भाई हमारे मिले हैं, तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गोलू विश्वकर्मा है। गोलू विश्वकर्मा, तो आप कब निकले थे अपने घर से? मैं आज तीसरा दिन है मेरा। आज तीसरा दिन है, और कितने किलोमीटर चलना है आपको? मेरे को 1200 किलोमीटर जाना है। आपको 1200 किलोमीटर जाना है, मतलब देवरिया यूपी से ना? हाँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड जाना है केदारनाथ, है ना? 15 दिन का टूर है। 15 दिन का टूर है। तो इनका भी चैनल है, क्या नाम है भाई? स्केटिंग राइडर गोलू। स्केटिंग राइडर गोलू, शॉर्ट वीडियो बनाते हो? हाँ, शॉर्ट डालता हूँ। तो भाई इनके चैनल पर विजिट करके इनको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। काफ़ी मेहनत करके मैं आपको बैक कैमरा थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए, मुझे अभी फैजाबाद अयोध्या लखनऊ टू अयोध्या फैजाबाद, मतलब ये हाईवे है NH 27, तो हमको ये रास्ते में मिले, तो हमने कहा भाई से लोग मिलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए भाई आज इनका 3 दिन टूर हो गया। कहाँ पे रुकते हो भाई, अगर रुकना हुआ रात में? पेट्रोल पंप या मंदिर पर रुक जाता हूँ। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि इनको कामयाब करे भाई, है ना। इनका चैनल भी काफ़ी चले, और देख सकते हैं स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, कोई पैदल भी नहीं चल रहे हैं ना, तो कोई गाड़ी सवारी से, है ना। काफ़ी मेहनत कर रहे हो भाई, आपको हमारी तरफ से सलाम है यार। हम आओगे भैया? बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि मैं ये टूर कर रहा हूँ, मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ इतनी धूप में, और तापमान इतना ज़्यादा है यहाँ का ना। अगर आप लोग एक एक पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है टेम्परेचर कम हो सकता है। बहुत सही आपने बताया कि पेड़ ज़रूरी है ना, ऑक्सीजन के लिए और हमारे जीवन के लिए भी, है ना। तो पेड़ सभी लोग लगाइए, इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, और कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं यूपी देवरिया से, और केदारनाथ जाएंगे उत्तराखंड। अभी ये भेड़िया बाराबंकी शहर के पास हैं, हमको मिले हैं। चलिए भाई, बहुत थैंक यू। ओके ओके।